नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक बार भारत का फिर से शर्मनाक प्रदर्शन सामने आया है। आपको बता दें कि 119 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 हो गया है और इस तरह से वह दक्षिण एशियाई देशों में लगभग सबसे नीचे कहा जा सकता है, क्योंकि भुखमरी के मामले में भारत से बेहतर स्थिति हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी बेहतर है। वहीं हम लगातार भुखमरी के मामले में दिनों दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में जब से मोदी सरकार देश में आई है, तब से भुखमरी के हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। वैसे तो सरकार ने अच्छे दिलों की दिलासा दिला करके लगातार दूसरी बार सरकार बना ली है, लेकिन उसके बावजूद सरकार का नियंत्रण ना तो भुखमरी पर है, ना ही अर्थव्यवस्था के गिरते हालातों पर। वहीं अगर बेरोजगारी की तरफ देखते हैं तो बेरोजगारी में भी देश पिछले 45 वर्षों के निम्नतम स्तर पर जा पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद भी वादे और दावों की सरकार लगातार मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। खुद को प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार की है, लेकिन उसके बावजूद भुखमरी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे मामलों को लेकर के किसी भी प्रकार के कठोर कदम आज तक नहीं उठाए जा सके हैं। और इसी का परिणाम है कि इन दिनों जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक हर 24 घंटे में 36 बेरोजगार युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में भी हालात कुछ सुधार में आएंगे या फिर अच्छे दिनों की मुखालफत करते हुए ठीक इसी तरह से अर्थव्यवस्था, भुखमरी, बेरोजगारी के अच्छे दिन देखने को मिलते रहेंगे। सवाल कई सारे हैं, क्योंकि सिर्फ भाषणों से और सिर्फ रैलियों में जा करके बातें की जा सकती हैं, लेकिन वास्तविक स्थितियों पर लाने के लिए एक बेहतर नीतियों की ज़रूरत होती है, एक बेहतर व्यवस्था की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं अगर हम सरकार के द्वारा ही जारी किए गए आंकड़ों को लेकर के चलते हैं तो यह सरकार और पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार की कई सारी असफलताएं देश के सामने आती हैं। भ्रष्टाचार के मामले में भी ग्लोबल इंडेक्स में भारत की स्थिति बद से बदतर लगातार होती जा रही है। वहीं बात करें महिलाओं के अपराध को लेकर तो लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध भी देश के एक बदतर हालात को प्रस्तुत करते हैं। वहीं सीमा सुरक्षा की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन की सबसे अधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सिर्फ वादों और दावों की सरकार कब तक देश को वास्तविक स्थिति से ओझल करती रहेगी, या देश में वास्तव में अच्छे दिन आने वाले हैं, या सिर्फ दिलासा ही दी जाएगी। आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत ने शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए 119 देशों की सूची में 102 स्थान प्राप्त किया है। और भारत की दशा इतनी बुरी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, नॉर्थ कोरिया से भी खराब रैंकिंग भारत को मिली है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में भारत की रैंक सबसे खराब है। मतलब दक्षिण एशिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जिसकी तुलना में भारत की स्थिति बेहतर कही जा सके। एक तरफ देश की सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साइज का दावा करती है, तो दूसरी तरफ भारत भुखमरी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जिस अर्थव्यवस्था की उन्नत की बात की जा रही है वो किसके हितों के लिए है? जाहिर सी बात है, पिछले कुछ सालों में होने वाले विकास का फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा होगा, लेकिन गरीबों में और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसी पर निशाना साधते हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडाड़ी अमीरों की सूची में उछाल मारकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए, लेकिन भारत दुनिया के भुखमरी के शिकार देशों की सूची में फिसलकर 102 स्थान पर आ गया। फिर भी आप हिंदू मुसलमान कीजिए और यह राम राम जपकर आपका माल अपने मित्रों के नाम करते रहेंगे। दरअसल एक तरफ जहां सरकार विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया भी मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लगातार गुमराह कर रहा है। अपने देश में भुखमरी के हालात पर चर्चा ना करके इस देश का मीडिया अक्सर इस बात पर चर्चा करता है
कि कैसे पाकिस्तान भूखा मर रहा है, कैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, यानी राष्ट्रवाद के नाम पर देश के वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की साजिश सरकार और मीडिया का साझा प्रयास बन चुका है। इसके साथ ही साथ मीडिया के चर्चाओं में पाकिस्तान की भूखमरी, बांग्लादेश की भूखमरी, अफगानिस्तान के आतंक की चर्चा तो दिनों दिन आपके द्वारा देखी जाती है, लेकिन भारत की भूखमरी, भारत की बेरोजगारी और भारत में बढ़ रहे हिंसात्मक कार्रवाइयों, हिंसात्मक प्रदर्शनों और देश की सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ता हुआ असंतोष लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा दिखाने की गुंजाइश बहुत ही कम देखी जाती है और बहुत ही कम डिबेट्स इन मुद्दों को लेकर के होती है कि आखिर लगातार भारत में बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है, आखिर लगातार भारत में महंगाई की दर क्यों बढ़ रही है, आखिर लगातार भारत की विकास दर क्यों घट रही है, अर्थव्यवस्था के बुरे दिनों के हालात क्यों सामने आ रहे हैं और इसी तरह के कई ऐसे मुद्दे जो वास्तव में विकास की, अर्थव्यवस्था की, शिक्षा की और देश के जीवन स्तर की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन पर बहस कम ही होती है। और कहीं ना कहीं इसका एक महत्वपूर्ण कारण जनता में जागरूकता की व्यापक कमी का होना, साथ ही साथ देश के विपक्ष का इतना बृहद तौर पर कमजोर होना भी माना जा सकता है, क्योंकि विपक्ष को भी CAA, NRC, 370 जैसे आधारहीन मुद्दों पर बहस करते और प्रदर्शन करते हुए तो देखा जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, इन सारे विषयों की सुध ना तो विपक्ष को है और ना ही सरकार को। इसी का परिणाम है कि देश के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकार के द्वारा एक तरफ अच्छे दिनों का दावा किया जाता है, वहीं विपक्ष के द्वारा मूलभूत सुविधाओं से हट करके आधारहीन मुद्दों को लेकर के अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने के उद्देश्य से प्रदर्शन किए जाते हैं और मीडिया अपनी TRP गेनिंग मुद्दों को लेकर ही बहस करना पसंद करता है। इसी का परिणाम आज हमारे सामने देखा जा रहा है कि 119 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत का स्थान 102 हो गया है और दक्षिण एशियाई देशों में किसी भी देश से बेहतर स्थित भारत की नहीं कही जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।